सिकंदराबाद में वाक़ एक इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में खौफनाक आग लगी, जिसके नतीजे में तहाल 8 अफराद की हलाकत की इतला है। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद सी वी आनंद ने बताया कि अब तक 7 अफराद की हलाकत की तौसीह हुई है। बताया गया है कि बैटरियां फटने के नतीजे में भयानक आग लगी और शोरूम के ऊपर वाक़ लाज तक फैल गई है और धुएं के बाद कई लोग लाज में फंस गए। और बताया गया है कि कसी धुएं की वजह से लाज में मौजूद लोगों का दम घुट गया और उनमें से कई ने खौफ के मारे खिड़कियों से नीचे छलांग लगा दी। आखिरी खबरें मिलने तक 10 लोगों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जिनमें से कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इतला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है। लाज में फंसने लोगों को बाहर निकाला गया है। दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड का अमला 2 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। हादसे की वजूहात का तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। इनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है और उनका गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी दौरान 5 दिगर अफराद को यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरीन में से एक खातून भी है जो आग के बाद शदीद झुलस गई थी। इस खातून की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आग और धुएं से बचने के लिए इमारत से छलांग लगाने वालों में से कुछ शदीद जख्मी हो गए। इस बात का पता नहीं चला है कि हादसे के वक्त लाज में कितने लोग मौजूद थे। हादसे की इत्तला मिलते ही रियासती वजीर तलसानी से निवास यादव मौके हादसे पहुंच गए हैं और सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फिलवक्त हमारी तरजीह इमदादी और बचाव काम है, इसके बाद ही आग लगने की वजूहात और दीगर तफसीलात किया जा सकता है।